हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और हम इस समय आ चुके हैं अयोध्या। अयोध्या जहाँ पे श्री राम जी का जन्म स्थल है, और अयोध्या से आते वक्त प्रथम स्थान है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी जहाँ पर श्री हनुमान जी जब रंका विजय के पश्चात यहाँ पर आए हुए थे, तो यहाँ पर विराजमान थे। और आप देख सकते हैं कि वहाँ ऊपर हनुमानगढ़ी है, जो 74 सीढ़ियों के साथ ऊपर बना हुआ स्थल है। और यही चलते हैं, दर्शन करते हैं अंजलि लाल का, जो हनुमानगढ़ी के नाम से जाने जाते हैं। आइए चलते हैं अंदर। जहाँ पर श्री रामबलि अपनी माता अंजना के साथ विराजमान है। और 10वीं शताब्दी में बना हुआ यह मंदिर के बारे में कथा बहुत रोचक है, जो दर्शन करने के पश्चात आपको सुनाते हैं। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर पूरी सभा है हनुमान जी की। सजावट कितनी सुंदरता से की गई है, और कितने छोटे छोटे नक्काश के द्वारा इसको पूरा किया गया है। और आइए चलते हैं हम और अंदर, देखते हैं पूरी मंदिर को देखते हैं मंदिर में। और आगे हम बढ़ते हैं, और हमारे बगल में है दाईं तरफ है जो मुख्य मंदिर था। आइए चलते हैं और आगे हम। और यहाँ देखिए भरत दरबार है, जहाँ पर श्री राम लक्ष्मण और माँ सीता भरत शत्रुघ्न के साथ में हैं। और आइए चलते हैं हम मंदिर के सामने, जहाँ पर प्रार्थना करते हैं, और हम भी यहाँ पर बैठ के प्रार्थना करते हैं। और हमारे दाईं तरफ श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं आप भी। और तो दोस्तों, दर्शन करने के पश्चात हमने थोड़ा सा ध्यान किया, और ध्यान करने के पश्चात हम चलते हैं थोड़ा सा बाहरी गेट पर चलते हैं। और इस स्थान से जुड़ी हुई कथा हम आपको बता दें कि रावण विजय के पश्चात जब श्री रामचंद्र जी की पूरी सेना के साथ जब यहाँ अयोध्या में आए थे, तो उस समय श्री हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हुए थे और यहीं पर रहते थे हनुमान जी। मंदिर के निर्माण से जो कथा है, जुड़ी हुई कथा है, वो हम आपको ऊपर बताते हैं। और यहाँ से ऊपर का दृश्य भी आपको दिखाते हैं, यहाँ से अपनी अयोध्या नगरी कैसी दिखती है। अब देख सकते हैं, यह हनुमानगढ़ी का मंदिर है, और इस मंदिर से जुड़ी हुई कथा हम आपको बताते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर राम जन्मभूमि के पास स्थित 1855 में अवध के नवाब ने इस मंदिर को मुसलमानों से विनाश होने से बचाया था। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं यहाँ से पूरी अयोध्या नगरी दिख रही है। और यहाँ पर महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा लगभग 360 यहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया गया था, परंतु औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ पर कितने ज़्यादा सारी मंदिरों का को तोड़ दिया गया था, जिसमें से कुछ बचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी मंदिर हैं, और यहाँ से भी बहुत सारे खूबसूरत मंदिर हैं जो थोड़े दूर दूर पे हैं। तो दोस्तों, हमारे पीछे देख सकते हैं इस कितना मंदिर का कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। और इस मंदिर के निर्माण की जो कथा है, वो जो यहाँ के नवाब शुजाउद्दौला के शहजादे की अयोध्या के महंत बाबा अभयराम के द्वारा बचाए गए जान के रूप में ये मंदिर बनाया गया था। जब वैद्य और हकीम ने उनके बेटे की जान बचाने के लिए हाथ टेक दिए थे, तब वहाँ के नवाब के मंत्रियों ने अभय दास से मिन्नतें की थी। फिर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत से उनके पुत्र के ऊपर जल का छिड़काव किया, जिससे उनके पुत्र की जान बची। अपने बाबा से प्रसन्न होकर के उनसे कुछ भेंट स्वरूप मांगने के लिए कहा, तो इस रूप में उन्होंने कहा कि यहाँ पर बाबा का हनुमान जी का मंदिर बना दें। और पहले इस स्थान पर केवल छोटे से हनुमान जी की प्रतिमा थी, जिसके पश्चात यहाँ पर जो नवाब के द्वारा यहाँ पर 52 बीघे की ज़मीन यहाँ पर स्वरूप भेंट स्वरूप बाबा को दी गई, जिसके बाद यहाँ पर उनकी एक रखेल ने हनुमान जी का मंदिर 10वीं शताब्दी में बनाया था। तो दोस्तों, प्लीज़ बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए, और हमारे वीडियो को इसी तरह अपना प्यार दें। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।